हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स दिस इज सेशन थ्री एमसीक्यू फॉर डी फॉर्म स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर के जो बैकलॉग या वाई स्टूडेंट हैं उनके लिए ही सो दिस इज सब्जेक्ट रिलेटेड अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दैट इज एच ए पी इन दैट वी विल सी दट एम सी क्यू बेस्ट ऑन द चैप्टर थ्री द ब्लड जी हाँ ब्लड पर जो भी जितने भी एम सी क्यू पूछे जाएंगे एम एस बी टी एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी में वो मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड ऑब्वियसली आई एम क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड बाई मी मींस मिस्टर महेश भाई विनायक सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन ना वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट इज द रेंज ऑफ पी एच ऑफ ब्लड यहाँ पे ऑप्शन दी है कुछ यहाँ पर ऑप्शन है ए सेवन पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट फाइव बी सेवन पॉइंट एट टू सेवन पॉइंट नाइन सी सिक्स पॉइंट फाइव टू सिक्स सिक्स पॉइंट फोर एंडी टू पॉइंट सिक्स टू टू पॉइंट एट हर इज द वेरीज ऑप्शन फॉर रेंज फॉर पी एच ऑफ ब्लड सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ऑप्शन ए सेवन पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट फाइव जी हाँ जो भी ब्लड का पी एच रहता है वो इस रेंज के दौरान रहता है लाइक सेवन पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट फाइव तो देट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए Now we will discuss the question number second. The human body contains how much liters of blood? जहाँ human body में कितने blood होता है, जो भी body होती है थी human body की, उसमें total कितना amount of uh, liters blood होता है? यहाँ पे option दी है। A 10 liters, B 5.5 liters, C 2 liters, D 4 liters. So our correct answer is that B option 5.5 liters. जहाँ 5.5 liters इतना blood पूरे body contain में होता है, body में होता है human के

सो आवर करेक्ट आंसर इज़ देट ऑप्शन बी डब्ल्यू एस आर बी सी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और वो रेड कलर की होती है सो so जो डब्ल्यू एस uh, yeah, है वो व्हाइट कलर मीन्स कलरलेस होते हैं और उसमें uh, न्यूक्लियस रहता है सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी डब्ल्यू बी सी नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मच परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स सेल इन ब्लड या जो भी ब्लड का so, कम्पोजिशन है उसमें डब्ल्यू बी सी है न्यूट्रोफिल्स इज द टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी सो जो भी डब्ल्यू बी सी के टाइप है उसमें न्यूट्रोफिल्स जो है अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कितने होते हैं यहाँ परसेंटेज दिया है ए वन टू सिक्स परसेंट बी टेन टू ट्वेंटी परसेंट सी फोर्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट एंड डी वन परसेंट सो अब करेट आंसर इज दैट ऑप्शन सी फोर्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट जी हाँ फोर्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट तक न्यूट्रोफिस uh, uh, जो भी है न्यूट्रोफिस सेल डब्ल्यू बी सी का जो टाइप है वो ब्लड में प्रेजेंट रहता है सो दैट्स वाई अबर करेट आंसर इज दैट ऑप्शन सी फोर्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यू बी सी इन अडल्ट मेल जहाँ जो अडल्ट मेल होता है उसमें डब्ल्यू बी सी की रेंज कितनी होती है यहाँ पे ऑप्शन दिए ए टू टू फोर लैक बी फोर थाउजेंड टू टेन थाउजेंड्स दैन सी फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन एंड डी टू थाउजेंड टू एट थाउजेंड जी हाँ जो भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं लाइक टू पॉइंट टू फोर लैख फोर थाउजेंड तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ऑप्शन बी फोर थाउजेंड टू टेन थाउजेंड जी हाँ जो भी रेंज होती नॉर्मल रेंज डब्ल्यू बी सी की इन अडल्ट मेल में वो फोर थाउजेंड टू टेन थाउजेंड होती दैट्स वाई अवर करेक्ट आंसर इज़ दैट बी ऑप्शन सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स हिपैरिन कंटेन इन विच टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी सेल जहाँ जो भी हिपैरिन होता है नेचुरल और वो, वो किस सेल uh, में होता है डब्ल्यू बी सी के किस टाइप के सेल में होता है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए न्यूट्रोफिल्स बी एसिडोफिल्स सी लिम्फोसाइड्स एंड डी बेसोफिल्स सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी बेसोफिल्स यहाँ बेसोफिल्स में हिपैरिन नाम का जो भी एंटीकोगोलेंट नेचुरल एंटीकोगोलेंट वो प्रेजेंट होता है सो so वहाँ से भी रिलीज होता है बेसोफिल्स सेल्स से सो देट्स वाई करेक्ट आंसर इज दट ऑप्शन डी बेसोफीड नाव वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज क्वेश्चन सेवन वट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स या जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं नॉर्मल प्लेटलेट्स की रेंज क्या होती है उनकी ब्लड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए ए थ्री टू फोर लैख ई एम एम पर क्यूबिक देन बी थ्री टू सिक्स लैख पर ईम एम क्यूबिक सी टेन टू ट्वेंटी लैख पर ईम एम क्यूबिक एंड डी फोर टू फाइव लैख ई एम एम पर क्यूबिक सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए थ्री टू फोर लैख जी हाँ जो भी नॉर्मल रेंज रहती है प्लेटलेट्स की वो थ्री टू फोर लैक रहती है uh, जो भी नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग है uh, उसके ब्लड में सोट दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए थ्री टू फोर लैख पर ई एम एम क्यूबिक इट इज़ अ नॉर्मल रेंज फॉर प्लेटलेट्स नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन एट द कंडीशन इन विच द टोटल ब्लड ल्यूकोसाइड काउंट इज लेस देन नॉर्मल दैट इज़ फोर थाउजेंड पर एम एम क्यूबिक इज कॉल्ड एज जी हाँ आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछ गई एक कंडीशन है कि जिसमें टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट काउंट जो लेस uh, हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो रेंज है राइट फोर थाउजेंड उसके नीचे और हाँ, उसके जो भी काउंट है आ जाता है तो उस डिसीज uh, कंडीशन को क्या कहते हैं सो ए ल्यूकोसाइटोसिस बी ल्यूकेमिया सी ल्यूकोपेनिया एंडी हीमोफिलिया सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया जी हाँ ल्यूकोपेनिया ल्यूकोमीन्स ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यू सी टाइप एंड देन मिया पेनिया मीन्स डिक्रीजिंग राइट पेनिया जो शब्द है वो डिक्रीजिंग uh, के लिए यूज़ करता है सो दैट इज़ वाई आपको एक हिंड मिल जाती है ल्यूकोपेनिया यानी कि जो भी काउंट है ल्यूकोसाइट्स uh, का वो नॉर्मल uh, से कम हो जाता है

सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस जहाँ ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि सेल uh, बढ़ते हैं या उसके uh, जो भी काउंट uh, है नॉर्मल रेंज उसकी इंक्रीज हो जाती है सो so उस कंडीशन के लिए ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है सो यर इज दैट करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस

तो यहाँ पे ऑप्शन है ए हंड्रेड डेज बी वन ट्वेंटी डेज सी फिफ्टी डेज एंड डी ट्वेंटी डेज सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ऑप्शन बी वन ट्वेंटी डेज जहाँ वन ट्वेंटी डेज इस लाइफ साइकिल में आर बी सी रहते हैं सर्कुलेट होते हैं ब्लड में उसके बाद वन ट्वेंटी डेज के बाद वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में सो दैट्स व आवर करेक्ट आंसर इज दैट टोटल लाइफ स्पेन जो होती है आर की वन डेज होती है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एम सी क्यू बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंटमी एंड फिजियोलॉजी विच विल भी आज किन एम एस बी टी एग्जाम ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन जहाज ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी uh, इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं सो यू शूड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज अ सैम्पल एम सी क्यूज और प्रैक्टिस एम सी क्यू फॉर द एम एस बी टी एग्जाम सो इस तरह से आप उसकी uh, पढ़ाई कर सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू डैट यू कैन चूज़ द पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड ऑन द बेस ऑफ दैट यू विल मेक द एम सी क्यूज आप खुद एम सी क्यू बना सकते हैं उसके ऑप्शन बना सकते हैं राइट तो इससे आपको अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे प्रिपरेशन करते आएंगा ताकि आपको एग्जैक्ट जो आंसर है एम सी क्यू का वो पता चलेगा सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोज़ तो अपडेट uh, मिलते रहेंगे अभी नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा रिलेटेड अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर फॉर डी फार्मेसी जी आर डी फार्मेसी के लिए एडमिशन प्रोसीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है तो उस कब स्टार्ट होने वाली है मेरा अगला वीडियो है जो उसमें मैं uh, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर इंस्पायरिंग मी टू मेकिंग दिस वीडियोज़ Thank you, thank you, thank you.